नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। खबर रायबरेली उत्तर प्रदेश से आ रही है। माँ भटक रही, मृतक बेटे के हथियारों को सजा दिलाने के लिए क्या मिल पाएगा न्याय, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए नित्य नए नए प्रयास कर रही है, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण भी अगर देखा जाए तो रायबरेली में अंधे मुंह गिरते नजर जरूर आ रही है। ऐसा एक मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का देखने को मिला है, जहां पूरे परिवार अपना बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता जरूर दिख रहा है, लेकिन संबंधित थाने पर सुनवाई न होने के कारण पूरा परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है और रायबरेली के कर्मठ और जुझारू पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से न्याय की गुहार लगाता जरूर दिखाई दिया। इसमें भैया हमारी दीदी को जहर खिला दिए हैं, बोले रहो, बोले और दीदी यहाँ घर से अच्छी हंसी खुशी से लेकर गए हैं और वहाँ जाके विवाद बना लिए, बोले हमको दहेज चाहिए। तो हम दीदी हमारे पास कॉल की थी, तो हम घर जाके बोले मम्मी, वो बोले हमको दहेज और चाहिए। तो मम्मी पापा बोले कि थोड़ा रुक जाओ, अभी अभी हम शादी किए हैं, हमारे पास हो जाएगा तो हम दे देंगे। वो बोले नहीं हमको अभी चाहिए। तो हम भी बोले जीजा थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो बोले नहीं। फिर उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो बोले ठीक है अच्छा, पर शाम तक ये विवाद हो गया। पूरे मामले की कहीं तहरीर वगैरह दिया था? हाँ सर। फिर उसके बाद थाने गई थी? हाँ, जगतपुर थाने गए थे 11 बजे रात में, वहाँ कोई कार्यवाही नहीं। फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से गार्ड फटकार के भगा दिए वहाँ। आज कहाँ पे आए हैं? आज हम यहाँ रायबरेली एसपी के यहाँ। क्या हुआ, मुलाकात हुई? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे? सर कार्रवाई करेंगे, कोशिश करेंगे, उनके उनके सामने हाथ पैर जोड़ेंगे, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ चाहिए आप? हम आए हैं हमीर मोड़ से, भजन कुरवा बगल में है, वहाँ से बेला भेला कपारा। क्या हुआ है, क्या मामला है? मेरी लड़की को हंसी खुशी से 8 तारीख को ले गए, उनका का नाम नहीं है।